सपा नेता अबू आजमी ने मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी लगातार विवादों में रहते हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन एमवीए के नेता मौलानाओं के सामने अब भी अर्जी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नया मामला समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का है। मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ रहे सपा नेता अबू आजमी का मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ मुलाकात का वीडियो सामने आया है। ये वही मुफ्ती सलमान अजहरी है जिन्हें इसी साल फरवरी में गुजरात पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया था। अब चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों के लिए सपा नेता अबू आजमी ने हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच देने के आरोपी मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान अबू आजमी ने सलमान अजहरी से चुनाव में जीत की दुआ मांगी। अजहरी ने कहा, खुदा आपको कामयाबी दे। उन्होंने कहा कि नेताओं से उनका ताल्लुक कम है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर आजमी जीत कर आते हैं तो रसूल की शान बनी रहे, कोई बेअदबी ना करे। वहीं आजमी ने भरोसा दिलाया है कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे और किसी भी धर्म के बड़े धर्म गुरु या ईश्वर के खिलाफ बोलने के मामले में कठोर कानून बने, इसके लिए वे प्रयास करेंगे। मुफ्ती से मुलाकात के बाद अबू आजमी ने कहा है, ये कोई वोट जिहाद नहीं है। बिना बात के मुफ्ती अजहरी को जेल में बंद कर दिया गया। अजहरी का गजवाए हिंद वाला वीडियो फेक है, अबू आजमी ने यह बयान दिया है। मुलाकात से महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है।